हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम साहिल है और स्वागत है आपका इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट मोमेंट ट्यूशन के इस कोलैब वीडियो में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लोग आर्डिनो की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आर्डिनो का बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आपको आर्डिनो के बेसिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए, उसमें हम लोग आर्डिनो का सारा बेसिक्स आपको बताएंगे, हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, कैसे उसको यूज करना है, आर्डिनो कैसे वर्क करता है। अगर आपको आर्डिनो के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस सीरीज को आप फॉलो करिए। इस सीरीज के एंड तक आप अपना खुद का आर्डिनो का प्रोजेक्ट बना सकेंगे खुद प्रोग्रामिंग करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो बेसिकली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा Amazon या फिर eBay पे, और अगर आप मुंबई के यहाँ रहते हैं तो फिर आप लैमिंगटन से इजीली इसे खरीद सकते हैं। इसका प्राइस आता है कुछ 355 रुपीस का। आर्डिनो के भी दो टाइप है, एक क्लोन आर्डिनो है, एक ओरिजिनल आर्डिनो है। ओरिजिनल आर्डिनो आता है 1500 रुपये का, लेकिन वो सेम ही रहता है इस क्लोन आर्डिनो जैसा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 350 का आर्डिनो खरीदें, जो कि क्लोन आर्डिनो रहता है। तो अब हमारे पास आर्डिनो यूनो है, तो चलिए हम इसके हार्डवेयर के बारे में देखते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो गाइज, ये है आर्डिनो का बेसिक हार्डवेयर स्ट्रक्चर। इसमें जो इसका सबसे मेन कंपोनेंट है वो है इसका माइक्रो कंट्रोलर, जो कि माइक्रो कंट्रोलर ATmega328 है। फिर आर्डिनो में होते हैं 13 डिजिटल पिन्स। ये डिजिटल पिन मोस्टली हमें आउटपुट कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। आउटपुट कंपोनेंट्स यानी कि जैसे LED होता है, LCD होता है, रिले मॉड्यूल्स, वो सब हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। हम धीरे धीरे आगे इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है इसका एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स में मोस्टली सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि IR सेंसर हो गया, RF सेंसर हो गया, PIR सेंसर हो गया। ये सारे सेंसर्स के एनालॉग वैल्यूज होते हैं, इसके लिए हम उसे एनालॉग पिंस में कनेक्ट करते हैं। मोस्टली यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई 5 वोल्ट और ग्राउंड, ये सारे पावर सप्लाई हम इनपुट कंपोनेंट्स और आउटपुट कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए यूज होता है। फिर होता है आर्डिनो में पावर जैक। ये पावर जैक आर्डिनो को पावर सप्लाई देने के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करते हैं। और फिर आता है USB पोर्ट। USB पोर्ट यूज होता है आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। एक USB केबल होता है, जो जिसका एक एंड लैपटॉप से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड इस USB पोर्ट में जाता है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं। आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें प्रोग्रामिंग करके और USB पोर्ट यूज़ करके हम आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करते हैं। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आगे बताऊँगा। फिर ये होता है रीसेट बटन। इसमें जो प्रोग्राम अपलोड कर दिया है उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन यूज होता है। तो गाइज, ये था बेसिक हार्डवेयर स्ट्रक्चर आर्डिनो का। अब जानते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, वो सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर से कैसे आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज, अब देखते हैं कि आर्डिनो का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रोम पे जाना होगा, फिर सर्च करना है आर्डिनो IDE डाउनलोड। फिर ये सर्च करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, जो कि है आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE, उस पर क्लिक करना है। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। और ये सारे सॉफ्टवेयर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, विंडोज, मैक, लिनक्स। तो मेरा विंडोज प्लेटफॉर्म है, तो मैं विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर बता रहा है कॉन्ट्रीब्यूट टू द आर्डिनो सॉफ्टवेयर, हमें बस यहाँ पर जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, अब हमारा आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बता रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर Adafruit Industries LLC पोर्ट। तो यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है आपको, इंस्टॉल। तो गाइस, अब आपका आर्डिनो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे क्लोज कर देंगे और डेस्कटॉप पे एक आर्डिनो का आइकॉन बन जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस, ये है अब आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। मैं अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ।
यहाँ पर अगर आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर सेव, ओपन, न्यू का ऑप्शन तो आएगा ही, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सारे प्री रिटन कोड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आर्डिनो के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलईडी ब्लिंक करने का प्रोग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर एलसीडी इंटरफेस करने का प्रोग्राम है, और कुछ सेंसर्स के इंटरफेसिंग के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर है। तो इसलिए आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्री रिटन हमें कोड्स मिलते हैं और उन कोड्स को यूज़ करके हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है स्केच। स्केच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंक्लूड लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होता है, अगर आप कोई सेंसर इंटरफेस कर रहे हैं तो उस सेंसर के कुछ कमांड्स होते हैं जो आर्डिनो में रन करने होते हैं, बट वो कमांड्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आते, उनका एक लाइब्रेरी होता है। वो लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद उसे इधर इंक्लूड लाइब्रेरी के अंदर एड जिप लाइब्रेरी में डालना होता है, तो उससे वो सारे कमांड्स भी हमारे आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर है टूल्स। टूल्स में यहाँ पर पोर्ट अभी कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्डिनो कनेक्ट नहीं किया है सॉफ्टवेयर के साथ। अब मैं आर्डिनो को इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अब सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट बता रहा है, पोर्ट COM3, यह हमेशा टिक होना चाहिए तो ही प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड होगा। अब यहाँ पर बोर्ड, बोर्ड में दिखा रहा है आर्डिनो मेगा। हम कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्डिनो यूनो सिलेक्ट होना चाहिए। आर्डिनो के बहुत सारे और भी बोर्ड्स आते हैं, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा होता है, आर्डिनो नैनो होता है, आर्डिनो मिनी होता है, तो हम आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं तो आर्डिनो यूनो सिलेक्ट करेंगे। और ये दो चीज़ें हमेशा ऐसी होनी चाहिए, आर्डिनो यूनो बोर्ड होना चाहिए और पोर्ट में, जो पोर्ट में आर्डिनो कनेक्टेड है वो सिलेक्ट होना चाहिए, तो ही प्रोग्राम अपलोड होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है, मैं इसमें अपलोड करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर डन अपलोडिंग आ रहा है, यानी कि प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब देखते हैं हमारे आर्डिनो में ब्लिंक का प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर अपलोड हो चुका है। ये एलईडी पिन नंबर 13 के यहाँ होता है आर्डिनो में, इसे ब्लिंक करने का प्रोग्राम मैंने इसमें अपलोड किया था। अब वो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या क्या कमांड्स आर्डिनो के प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें आने वाली है, और धीरे धीरे हम एडवांस प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं आर्डिनो यूज़ करके। सो गाइज ये था आर्डिनो का इंट्रोडक्शन, उसका हार्डवेयर पार्ट, उसका सॉफ्टवेयर पार्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हम लोग को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक सारे दिए हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग पे जाएंगे कि कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं, उसका वॉइड लूप, वॉइड सेटअप क्या होता है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर विद एवरीवन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बोथ द चैनल्स, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस एंड इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बोथ द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून।